तो इसमें आप जो है वो नर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059, और इसको 0.06 भी ले सकते हैं। प्रोसेस में इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन लॉग ऑफ क्यू, दैट इज प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। सॉलिड का एक्टिव मास अपन यहां पे जो है वो 1 ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, है ना। सॉलिड का एक्टिव मास 1 ले लिया तो ये हो गया। अब ये कह रहे हैं कि इंक्रीज द ई सेल, तो इंक्रीज इन द साइज ऑफ सिल्वर रॉड, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ Sn2+ आयंस, तो ये वैल्यू सब्सट्रेट होने वाली बढ़ जाएगी, ई सेल कम हो जाएगा। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ Hg+ आयन, अगर आप ये बढ़ाओगे तो ये वैल्यू क्या हो गई बोलो, जो है ज्यादा से डिवाइड करेंगे तो छोटा नंबर, छोटे नंबर का लॉग भी छोटा, तो उसका मल्टीप्लीकेशन होके ये पूरी वैल्यू भी छोटी हो जाएगी। यानी ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला, कम इस कांस्टेंट में से आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ऐसा करना, एजी प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाना ई सेल को इंक्रीज कर देगा। देयरफोर सी ऑप्शन विल बी द आंसर।